हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली बार मैंने जो स्टोरी आपको बताई थी वो बताई थी ड्रैकुला की वापसी, किस प्रकार से ड्रैकुला को वो राम रहीम हरा देते हैं, लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। क्या राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच सकी? क्या राम रहीम ड्रैकुला के खूनी पंजे से बच सके? अपराधियों के उस गिरोह का क्या हुआ जो ड्रैकुला का अपहरण करना चाहता था? जैसे तमाम सवाल आप इस अंक में पाएंगे। ड्रैकुला दिल्ली में, ये वो कॉमिक्स थे, मनोज कॉमिक्स से ड्रैकुला दिल्ली में, जिसने इंडिया में तहलका मचा दिया था, और राम रहीम जैसे करेक्टर शायद ही कभी बन पाए कॉमिक्स इंडस्ट्री में। अब तो इन्हें देखना बिल्कुल रियर हो गया है। चलिए ये देखते हैं स्टोरी क्या है। कदम स्टूडियो का है चित्रांकन। एक बार हवालात से फरार एक कैदी का पीछा करते हुए एक इंस्पेक्टर एक हवलदार भूतमहल तक जा पहुंचे। धाए धाए आ भूतमहल के भीतर घुसने के बाद जग्गा न जाने कैसे ड्रैकुला बालक में परिवर्तित हो गया और उसने इंस्पेक्टर व हवलदार के निशंस हत्या कर दी। इंस्पेक्टर और हवलदार का खून पीने के पश्चात ड्रैकुला राम रहीम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार मैं उनका खून पीकर ही रहूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी ही उसका टकराव राम रहीम से हुआ, जो संयोग से उसी रात पिकनिक से घर वापस लौट रहे थे। ड्रैकुला ने राम रहीम के सहपाठियों का कत्लेआम कर दिया। बचाओ आ मजबूरन राम रहीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ रहा। ड्रैकुला राम रहीम के शहर में भी प्रविष्ट हुआ और उसने शहर में भी कत्लेआम मचा दिया। राम रहीम चीफ मुखर्जी से मिले और उन्होंने ड्रैकुला को ख़त्म करने के लिए आपस में मंत्रणा की। राम बेटे, अब तो उस ड्रैकुला को प्रोफेसर दिवाकर ही ख़त्म कर सकते हैं। मैं जल्दी ही उनका पता खोजकर तुम्हें बताऊंगा। ओह जी। अगले दिन जब राम रहीम सोकर उठे तो उन्हें चीफ मुखर्जी का संदेश प्राप्त हुआ। राम बेटे, प्रोफेसर दिवाकर इस समय दिल्ली में है, तुम दोनों फौरन दिल्ली रवाना होने की तैयारी करो। जी। तभी ड्रैकुला ने, जो वहां पहले ही से उपस्थित था, राम पर जानलेवा हमला कर दिया। हा। आत्मा को कहीं भी जाने आने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम दिल्ली नहीं यमपुरी जाओगे। आह, राम ने ड्रैकुला से मुकाबला करने की भरसक चेष्टा की। धड़ाक ही। उफ, इस पर तो काबू पाना मुश्किल लगता है। मजबूरन एक बार फिर उन्हें उनके सामने से भागना पड़ा। रहीम, रेलवे स्टेशन की ओर भागो। छनाक छनाक। किसी तरह से राम रहीम रेलवे स्टेशन पहुंचे और दिल्ली रवाना होती हुई रेलगाड़ी पर चढ़ गए। उफ, जान बची। राम रहीम के विचार अनुसार तो उनका पीछा ड्रैकुला से छूट चुका था, जबकि ड्रैकुला अभी भी उनकी घात में था। ही। इसी में है दोनों छोकरे। ड्रैकुला पुल से नीचे कूदा और रेलगाड़ी के एक डिब्बे की छत पर पहुंच गया। ही। अब राम रहीम को क्या, रहीम ही क्या, कोई भी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ तक की कहानी आप ड्रैकुला की वापसी में पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए। राजनगर से चलकर नई दिल्ली पहुंचने वाली 786 अप डाउन अप राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। धन्यवाद। अंदर। आहा, बस राजधानी एक्सप्रेस के आने की देरी है, फिर मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता है। डायरेक्टर लाल मुझे अपनी फिल्म में हीरो ले लेगा। मेरा बेटा आज पूरे 2 साल बाद वापस आ रहा है। ट्रेन आने वाली है श्यामी। राम रहीम नाम के वे दो लड़के हमारे मेहमान हैं, उनका ख्याल ख्याल रखना। ओके सर। तभी राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्रकट हुई। धड़ 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 धड़। आ गई मेरे सपनों की गाड़ी, नई दिल्ली। कमॉन शामवीर। ट्रेन के रुकते ही सभी डिब्बों की तरफ लपके। इसी कंपार्टमेंट में होगी मेरी फिल्म की डायरेक्टर। अगले पल, ओ नो। फिर जैसे ही वहाँ तूफान मच गया। आई बचाओ। अरे नहीं, क्या हुआ आखिर? ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे हैं? और फिर अभी भी कोई भी अभी तक कोई भी व्यक्ति ट्रेन से उतरा क्यों नहीं? मुझे देखना चाहिए। फिर तो जैसे ही इंस्पेक्टर एक डब्बे के अंदर घुसा, हे भगवान, लाशें ही लाशें। हे भगवान, पूरी रेलगाड़ी में लाशें हैं। यार गाड़ी तो लाशों से पटी हुई है, भागो।
सचमुच पूरी रेलगाड़ी लाशों की रेलगाड़ी ही तो बनी हुई थी। हाय मेरे लाल, हाय तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पापा, हाय मेरे डायरेक्टर, बुहू हु हु हु। कुछ ही पल बाद, यस सर मैं सही कह रहा हूँ, लगता है पूरी ट्रेन में एक भी आदमी जीवित नहीं बचा है। और राम रहीम, मुझे डर है सर कहीं वह भी इस दुर्घटना के शिकार ना हो गए हों। ओह नो, क्या तुम्हें उनकी लाश मिली? नो सर, वैसे सिपाही उनकी खोज में जुटे हुए हैं। ठीक है, तुम उन्हें खोजो, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। जबकि राजमार्ग दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाले पुल के नीचे बहती नदी में, हफ हफ, राम भैया अब और नहीं तैरा जाता, हफ हफ, रहीम तैरते रहो, रुको मत, हिम्मत करो वरना, हा 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 हा, जितनी मर्जी भाग लो आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच सकते, हम फम्फ उफ, रहीम भैया मैं तो मरा, उफ रहीम को तो संभालना ही होगा। राम ने रहीम को संभाला और उसे लेकर तेजी से साथ किनारे की ओर तोड़ने लगा, हा 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 हा, आज नहीं पाओगे, बच पाओगे, शीघ्र ही भागो रहीम, हफ हफ, मुझसे नहीं भागा जा रहा है। लेकिन फिर राम द्वारा इस बार हिम्मत दिलाने पर रहीम लड़खड़ाता हुआ राम के पीछे दौड़ पड़ा। आई उफ, यह तो रहीम की सीख है, हे भगवान, रहीम ड्रैकुला की पकड़ में है, बचाओ, हा 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 हा। फिर इससे पहले कि राम कुछ कर पाता, ड्रैकुला ने रहीम की गर्दन में अपने लंबे और पैने गांध गड़ा दिया। रहीम का खून खौन उठा, कुत्ते मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल धड़ाक कर ड्रैकुला से हाथ से छूटकर रहीम जमीन पर गिर पड़ा और धप आ उफ धड़ाक, हा 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 हा, आज इतने सालों बाद मेरी बदले की आग ठंडी होगी, उफ अब हमारी मौत निश्चित है। तभी अरे यह आवाज़ कैसी, घर घर घर, ओ हेलीकॉप्टर। तभी ऊपर से एक जाल ड्रैकुला के ऊपर गिरा और इससे पहले कि ड्रैकुला कुछ समझ पाता, जाल उसे समेटकर हवा में लटक गया। सर सर सर, हेलीकॉप्टर में कौन लोग हो सकते हैं और वह ड्रैकुला को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? तभी उसे रहीम का ध्यान आया और वह लपक कर उसके पास पहुँच गया। उफ यह तो बुरी तरह घायल है, इससे जल्दी ही अस्पताल पहुँचाना होगा। शुक्र है सामने पक्की सड़क है, शायद वहाँ आसपास कोई फ़ोन भी हो। कुछ देर बाद, यस सर मेरा नाम राम है, हम राजनगर से आए हैं, मेरा मित्र रहीम इस समय घायल है, हमें मदद की सख्त ज़रूरत है। ओके, हम अभी राजनगर दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाली नदी के पास पहुँचते हैं। शीघ्र ही एक पुलिस जीप एम्बुलेंस की गाड़ी से ही तो वहाँ पहुँच गई, आप मेरे साथ आइए, चलिए। हॉस्पिटल में रहीम की मरहम पट्टी हो गई और फिर जब इंस्पेक्टर को सारी बात पता चला तो उसने राम रहीम के दिल्ली जाने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस मुख्यालय में, आराम बेटे, अब बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे और वह भयानक नरसंहार किसका काम था? मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ, सुनिए। उस समय हम दोनों ट्रेन में बैठे ताश खेल रहे थे कि अचानक धड़ 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 धड़, अरे यह इतनी ज़ोर से दरवाज़ा कौन पीट रहा है, ठहरो मैं देखता हूँ। तभी दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ नीचे आ गिरा, धड़ाम, ड्रैकुला, हा 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 हा, मैंने तुम्हारी खोज में इस ट्रेन के हर डिब्बे में लाशें ही लाशें बिछा दी हैं, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, हैं सबको मार डाला क्या? उफ इस चलती ट्रेन में इसके हाथ से बचना मुश्किल है, हराम ज़्यादे मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रहीम, इस कंपार्टमेंट में इससे भिड़ना मूर्खता होगी, हमें इसके हाथ से बचना होगा। इस समय हमारी ट्रेन नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही है, यही मौका है इसके हाथों से बचने का। तो गाइस ये पेजेस इधर उधर हो गए हैं और ये पहले की स्टोरी चल रही है और अगले पल धड़ाक गुर धम तेज़ी से भागो रहीम, हे ईश्वर उस शैतान ने तो वास्तव में इस कंपार्टमेंट को मुर्दा घर बना रखा है। रहीम कूदो, अगले ही पल छपाक छपाक छपाक, उफ बच गया। तभी छपाक, ओह ये कौन है? फिर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उन्होंने, हमारे होश उड़ गए। ड्रैकुला, हा 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 हा, मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे छोकरो? रहीम जल्दी जल्दी तैरो वरना, और सर किस तरह हम ड्रैकुला के शिकंजे में फंस गए थे और शायद ड्रैकुला हमें ख़त्म भी कर डालता अगर वो हेलीकॉप्टर एन मौके पर पहुंचकर उसे उठा कर नहीं ले जाता। लेकिन वो लोग कौन हो सकते हैं जो ड्रैकुला को इस तरह उठा कर ले गए? उन्हें ड्रैकुला से क्या काम हो सकता है?
सर, ड्रैकुला को उठाकर ले जाने वाला जो कोई भी है वह उससे ज़रूर कोई ऐसा काम करेगा जिससे दिल्ली में तहलका मच जाएगा। बिल्कुल, इसलिए हमारा प्रोफेसर दिवाकर से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, मैं भी तुम दोनों को मेहरौली जाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। दूसरी ओर बदमाशों के अड्डे पर मुझे राम रहीम चाहिए। तुम्हें राम रहीम मिल जाएगा दोस्त, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे राम रहीम चाहिए, मुझे उनका खून पीना है। ओके, कल सुबह तक राम रहीम तुम्हारे सामने होंगे। उधर राम भैया, प्रोफेसर दिवाकर ने हमारे लिए काम करने से इनकार कर दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। मानवता की रक्षा के लिए प्रोफेसर दिवाकर उस ड्रैकुला को समाप्त करने में हमारी मदद अवश्य करेंगे। बस मेहरौली पहुंच चुके हैं हम, कुछ ही देर में हम प्रोफेसर दिवाकर के पास होंगे। तभी कुछ लोग सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए और राम को मजबूरन ब्रेक लगाने पड़ गए। ची, ओ ये लोग कौन हो सकते हैं और इस तरह हमारा रास्ता रोकने का इनका क्या मतलब हो सकता है? कहाँ जा रहे हो प्यारो, ज़रा हमसे भी तो मिल लो। जी तुम लोग कौन हो भाई और हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे बाप हैं और धड़ाक उफ। उनके पहाड़ों से बचाते हुए स्वयं को राम रहीम फुर्ती से मोटरसाइकिल से नीचे उतर पड़े। अब तो इनसे निपटना ही होगा। शायद दिल्ली के उठाईगिरों को पता नहीं है कि हमारा नाम राम रहीम है और लोग हमें प्यार से आफत के परकाले कहते हैं। अगले ही पल धाड़ धड़ाक उफ हाय ढिशुम आह धड़ाक आह। कुछ ही पलों में बेचारे आओ रहीम चले। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। अरे राम रहीम तुम? अरे कमिश्नर अंकल आप? क्या चक्कर है भाई, कौन है ये लोग? शायद पता नहीं, शायद राहजन रहे होंगे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फार्म हाउस तक छोड़ दूंगा। लेकिन हमारी मोटरसाइकिल और ये बदमाश मार्ग में, मैं पुलिस फोर्स को फ़ोन कर दूंगा, वह तुम्हारी गाड़ी और बदमाशों को ले जाएंगे। फिर ठीक है, राम रहीम कमिश्नर के साथ गाड़ी में सवार हो गए। मगर सर आप एकाएक इस रोड पर, कहते कहते राम बुरी तरह चौंक उठा। उफ धोखा, क्या राम रहीम मेरे साथ, हमारे साथ धोखा हुआ, ये कमिश्नर अंकल नहीं हो सकते क्या? मगर इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, पिछली सीट से तेज़ी से धुआं निकलना आरंभ हुआ। ओ यू रास्कल, गू 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 सू 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 सू। और कुछ ही पले में खौ 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 उफ सू सू। जल्दी राम रहीम बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गए। हा। आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंसी गए और मैं एक तीर से कली सने मारूंगा। हा। इधर प्रोफेसर दिवाकर के यहाँ। यस प्रोफेसर दिवाकर स्पीकिंग। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस कमिश्नर पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप राम रहीम से मेरी बात करा देंगे? राम रहीम? कहीं आप राजनगर में रहने वाले राम रहीम की तो बात नहीं कर रहे हैं? यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, कृपया आप उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, लेकिन वे तो यहाँ नहीं हैं। क्या कर रहे हैं आप? उन्हें यहाँ से चले पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। वे आपसे मिले ही यहाँ बाहर निकले थे, अब तक तो उन्हें आपके पास पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? ड्रैकुला बालक के सिलसिले में। व्हाट? ड्रैकुला बालक? जी हाँ। कहकर कमिश्नर पांडे ने प्रोफेसर को सारी बात बता दी। ठीक है कमिश्नर साहब, जैसे ही राम रहीम मेरे पास पहुँचेंगे मैं आपको सूचित कर दूँगा। ओके। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। आखिर ये ड्रैकुला बालक का क्या चक्कर है? वह तो समाप्त हो चुका था, फिर इतने वर्षों बाद अचानक जीवित कैसे हो गया? खैर, ये राम रहीम कहाँ रह गए और ये राम रहीम कहाँ रह गए? उधर बदमाशों के अड्डे पर देख लो दोस्त, सुबह होने से पहले ही हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब तुम चाहो तो शौक से इनके खून से अपनी प्यास बुझा सकते हो। इस आप आज मेरा बदला पूरा होगा। हा। मेरे दोनों दुश्मन साथ सामने हैं। हा।
गुंग 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 गुंग। आज मेरा बदला पूरा होगा, मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं। गु 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 अगले ही पल, हा, कड़ा गु 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 गु, हा, और फिर हा, अब तुम्हारी बारी है। गटक चढ़ा फट, चपर चपर अति स्वादिष्ट। कुछ ही देर बाद हा, आज मुझे असीम शांति मिली है। हा, हमने तुम्हारा काम कर दिया दोस्त, अब तुम्हें हमारा भी काम कर देना चाहिए। हाँ, कहो कहो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? हम दिल्ली के सबसे बड़े जौहरी बाजार को लूटना चाहते हैं। हम तुम्हें एक वैन में बिठाकर जौहरी बाजार के यहाँ ले जाकर छोड़ देंगे। तुम्हें वहाँ जौहरी बाजार में अपने ऐसा भयानक आतंक फैलाना होगा कि मजबूर हो जाए लोग। तुम्हें वहाँ पे एक जौहरी बाजार में मैं अपना एक ऐसा आतंक फैलाना है जिससे कि वहाँ का आदमी बेवजह, हम लोग की क्वालिटी क्या है ये लोग देखते हैं कि वहाँ आदमी का एक बच्चा भी नज़र नहीं आए। तुम्हें वहाँ जौहरी बाजार में अपना एक ऐसा आतंक फैलाना है कि वहाँ आदमी का बच्चा भी नज़र ना आए। मैं तुम्हारी बात समझ गया, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे हो जाएगा। अगले दिन सुबह जौहरी बाजार में जैसे तूफान समझ गया था। धनाक धनाक, बचाओ, आह बचाओ। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, जौहरी बाजार में एक भूत जैसे आदमी ने कहर बरपा रखा है, तुरंत पहुंचिए। हर किसी को अपनी जान बचाने का अधिकार है और हर किसी की अपनी जान बचाने की पड़ी थी, भागो। जबकि जौहरी बाजार के पास ही एक पतली गली में बॉस, आपके प्लान के मुताबिक ड्रैकुला ने हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, जौहरी बाजार में भूत जैसे आदमी ने कहर बरपा रखा है, तुरंत पहुंचिए। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, भागो भागो भागो। जबकि जौहरी बाजार के पास ही एक पतली सी गली में बॉस, आपके प्लान के मुताबिक ड्रैकुला ने जौहरी बाजार में आतंक फैला हुआ है। ऐसी भगदड़ मची हुई है कि कुछ ही पलों में जौहरी बाजार सुनसान मच हो जाएगा। ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, हमने अभी जौहरी बाजार पर हमला बोलना है। और ड्रैकुला और अब्दुल, तुम वैगन के पास ही रहोगे। तुम ठीक 15 मिनट बाद तुम्हें वैगन का दरवाज़ा खोलकर भाग जाना है। लेकिन बॉस, इस मेटल में ऐसा क्या है? इस वैगन में दो ऐसे शख्स बंद हैं जो ड्रैकुला की मौत की नींद सुलाएंगे, और साथ ही उनके नाम क्या है, क्या है? राम रहीम, क्या कहा? राम रहीम अभी जिंदा है? हाँ, लेकिन बॉस, अगर राम रहीम वैगन में ही बंद है तो फिर वो दोनों शौकीन थे अपन, जिन्होंने अपने शौक की खातिर, अच्छा आदमी अच्छा इंसान है, जिन्हें ड्रैकुला ने हमारी आंखों के सामने खाया था, ड्रैकुला ने हमारी आंखों के सामने मार डाला था, जिन्हें वो, अगर राम रहीम वैगन बंद है तो वो दोनों कौन थे जिन्होंने ड्रैकुला से हमारी आंखों के सामने मार डाला था?
मगर इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, पिछली सीट से तेज़ी से धुआं निकलना आरंभ हुआ। ओ यू रास्कल, घूँ 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 घूँ, और कुछ ही पलों में खौ 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 खौ, उफ, सू 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 सू। जल्द ही राम रहीम बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गए। हा 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 हा, आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए। अब मैं एक तीर से कई निशाने करूँगा। हा 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 हा। इधर प्रोफेसर दिवाकर के हैं। यस प्रोफेसर दिवाकर स्पीकिंग, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस कमिश्नर पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप राम रहीम से मेरी बात करा देंगे? राम रहीम? क्या आप राजनगर में रहने वाले राम रहीम की तो बात नहीं कर रहे हैं? यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, कृपया आप उन्हें बुला दीजिए। लेकिन वे तो नहीं है, वे यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? उन्हें यहाँ से चले पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, वे आपसे मिलने ही यहाँ निकले थे। अब तक तो उन्हें आपके पास पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वे मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? ड्रैकुला बालक के सिलसिले में। व्हाट, ड्रैकुला बालक? जी हाँ, कहकर कमिश्नर पांडे ने प्रोफेसर को सारी बात बता दी। ठीक है कमिश्नर साहब, जैसे ही राम रहीम मेरे पास पहुँचेंगे मैं आपको सूचित कर दूँगा। ओके ओके ओके। इसी के साथ दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। आखिर ये ड्रैकुला बाला का क्या चक्कर? यह तो समाप्त हो चुका था, फिर इतने वर्षों बाद अचानक जीवित कैसे हो गया? और ये राम रहीम कहाँ रह गया? उधर बदमाशों के अड्डे पर। ये देख लो दोस्त, सुबह होने से पहले उनको अपना वादा पूरा कर देना चाहिए। अब तुम चाहो तो शौक से इनके खून से अपनी प्यास बुझा सकते हो। इस आज मेरा बदला पूरा होगा। पर देख लो दोस्त, सुबह होने से पहले ही हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब तुम चाहो तो शौक से इनके खून से अपनी प्यास बुझा सकते हो। इस आज मेरा बदला पूरा होगा। हा 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 हा। मेरे सामने मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं। घूँ 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 घूँ, अगले ही क्षण। हा 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 हा, कड़ 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 कड़, घूँ घूँ घूँ, हा 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 हा। अगले ही क्षण कड़क, गू गू गू, हा 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 हा। फिर हा हा हा, अब तुम्हारी बारी है। घटक धड़ाक भट्ट, चपर चपर, आहा, अति स्वादिष्ट। कुछ ही क्षण बार, कुछ ही देर बाद आज मुझे असीम शांति मिली है। हा हा हा, हमने तुम्हारा काम कर दिया दोस्त, अब तुम्हें हमारा भी काम कर देना चाहिए। हा हा, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? दिल्ली के सबसे बड़े जौहरी बाज़ार को लूटना चाहते हैं हम। हम तुम्हें एक वैन में बैठाकर जौहरी बाज़ार में ले जाकर छोड़ देंगे। तुम्हें आज जौहरी बाज़ार में अपना ऐसा आतंक फैलाना है कि वहाँ आदमी का बच्चा भी नज़र नहीं आए। मैं तुम्हारी बात समझ गया, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे हो जाएगा। अगले दिन सुबह हैरत जौहरी बाज़ार में जैसे तूफान आ गया था। धड़ाम धड़ाम, भागो। भागो, आ बचाओ। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, जौहरी बाज़ार में एक भूत जैसे आदमी ने कहर बरपा कर रखा है, तुरंत पहुंचिए। और किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, भागो। जबकि जौहरी बाज़ार के पास ही एक पतली गली में, बस आपके प्लान के मुताबिक ड्रैकुला ने जौहरी बाज़ार में आतंक फैलाया हुआ है। ऐसी भगदड़ मची हुई है कि कुछ ही पलों में जौहरी बाज़ार सुनसान हो जाएगा। ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, हमने अभी जौहरी बाज़ार पर हमला बोला है। और अब्दुल, तुम हमें वैगन के पास ही रहोगे, ठीक 15 मिनट बाद अपने वैगन का दरवाज़ा खोलकर भाग जाना है। लेकिन बॉस, इस वैगन में ऐसा क्या है? इस वैगन में 2 ऐसे शख्स बंद है जो ड्रैकुला की मौत की नींद सुलाएंगे। और जानते हो ना उसका क्या नाम है? क्या है?
राम रहीम। हाँ क्या कहा? राम रहीम क्या वो जिंदा है? लेकिन बॉस, अगर राम रहीम गगन बंद है तो फिर वो दोनों कौन थे जिन्हें ड्रैकुला ने हमारी आंखों के सामने मार डाला था? वो राम रहीम नहीं बल्कि उन्हीं के कटकाठी के दो ऐसे शख्स थे जिन्हें राम रहीम का फेस मास्क लगाकर हमने ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत किया था। मगर क्यों? सुनो, हमारा यह काम करने के बाद ड्रैकुला हमारे लिए बेकार हो जाएगा और भविष्य में वो हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ राम रहीम ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए मैंने राम रहीम को जिंदा रख छोड़ा है। अब चलो हम अपना काम करते हैं। फिर सब जौहरी बाजार की तरफ भागते चले गए। उधर इधर लोग ड्रैकुला से जान बचाने के लिए प्रयत्नशील थे और उधर बदमाश लोग जौहरी बाजार को लूटने पर। शाबाश, एक भी जेवरात नहीं छूटना चाहिए, जो हाथ लगे समेट लो। हरी अप, क्विक। उधर स्टेशन वैगन के निकट 15 मिनट हो गए, अब मुझे वैगन का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और खटाक, वैगन का दरवाज़ा खोल वह एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वैगन के अंदर, ओह, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कैसी थी, मैं देखता हूँ। राम भैया, वैगन का दरवाज़ा तो सचमुच खुला हुआ है और यहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। दोनों झटपट वैगन से नीचे उतर आए। आखिर वे सभी कहाँ गए? हमें इस तरह कैद करना और फिर यहाँ लाकर आज़ाद कर देना, यह चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रहीम, तभी बचाओ। अरे ये लोग इस तरह क्यों भागे जा रहे हैं? भागो भागो, भयभीत भी है। आओ आगे चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। फिर वे दोनों तेज़ी से जौहरी बाजार की ओर भाग लिए। वहाँ आखिर ऐसा क्या है जिससे यह भगदड़ मची है? फिर जैसे ही वे जौहरी बाजार में पहुँचे, ड्रैकुला, हा, तभी ड्रैकुला की दृष्टि उन पर भी पड़ी है। राम रहीम, यदि ये जिंदा है तो फिर वो कौन थे जिनका मैंने खून पिया था? अगले पलों समझा, मेरे साथ उन लोगों ने धोखा किया है, अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हर पहले इनसे निपटू। सावधान रहीम, ड्रैकुला हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी भक भक, अरे ये धुएं का बम किसने फेंके हैं? राम रहीम, जल्दी आओ। कमिश्नर अंकल, आप समय मत खराब करो, जल्दी से जीप में बैठो वरना जहरीले धुएं से तुम भी बेहोश हो जाओगे। राम रहीम लिपक कर जीप पर सवार हो गए और पुलिस कमिश्नर ने जीप मोड़कर दूसरी ओर दौड़ा दी। मुझे उम्मीद है इस जहरीली गैस से ड्रैकुला लंबे समय के लिए बेहोश हो जाएगा, हम कुछ देर बाद वापस लौटेंगे। गुर्र गुर्र। कुछ देर बाद जब पुनः उसी जगह पर लौटे तो धुआं छट चुका था, परंतु ड्रैकुला वहाँ नहीं था। अरे वह ड्रैकुला का बच्चा कहाँ चला गया? लगता है उस पर जहरीले धुएं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह यहाँ से भाग निकला। आओ देखते हैं। उधर बदमाश लोग भी अपना काम पूरा करके वहाँ से रवाना हो चुके थे। बॉस, आपने सचमुच ही कमाल कर दिया। अगर आपने ड्रैकुला को नहीं फंसाया होता तो हम जौहरी बाजार से करोड़ों का माल हरगिज नहीं लूट सकते थे। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। अब हम यह सब सारा माल लेकर विदेश चले जाएंगे और वहाँ मज़े से रहेंगे। तभी बॉस, सामने देखो, ओ माय गॉड, ड्रैकुला, गुर्र। आओ धोखेबाजो, पहले मैं तुम्हें ही मज़ा चखाऊंगा। इसके तेवर ठीक नहीं लुकते जॉन, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, कुचल डालो सालों को। मुझे कुचलना इतना आसान नहीं है कुत्ते। अगले ही पल वह उछला और छना धड़ाम। तुमने मुझे धोखा दिया और फिर वह उन पर कहर बनकर बरस पड़ा। ले बेमान, अब तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएगा। धड़ाक, आह धड़ाम, खचाक, हाय मर गया। धड़ाक खचाक, आई ठक, पलक झपकते ही ड्रैकुला ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया और गाड़ी से उतर कर एक तरफ चल दिया। राम रहीम अभी भी जिंदा है, जब तक मैं अपने हाथ से उन्हें ख़त्म नहीं कर दूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब मैं इस शहर के लोगों को जान का सौदा राम रहीम की जान से करूंगा। जब तक राम रहीम मेरे हाथ से बचे रहेंगे इस शहर का एक एक हिस्सा कब्रिस्तान में बदलता रहेगा। इधर राम रहीम और कमिश्नर पांडे जौहरी बाजार का निरीक्षण कर रहे थे। हे ईश्वर, उस शैतान ने तो पूरे बाजार को ही कब्रिस्तान बना डाला है। इसके अलावा एक बात और भी नोट करने की है अंकल। वह क्या? यह लूटपाट भी की गई है। अरे इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ड्रैकुला के इस हंगामे के पीछे
किसी लुटेरे गिरोह का दिमाग था। बिल्कुल, और मुझे विश्वास है कि यह गिरोह वही होगा जिसने ड्रैकुला और हमारा अपहरण किया था। लेकिन अंकल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप यहाँ अचानक कैसे आ पहुँचे। मुझे फ़ोन पर मेरे एक परिचित जौहरी ने ड्रैकुला के कहर बरपा देने की खबर दी थी। यहाँ आते समय मैं पुलिस फोर्स को भी आदेश देता आया था। पुलिस फोर्स व एम्बुलेंस यहाँ अब पहुँचती ही होगी। ओह, जल्दी पुलिस फोर्स के साथ एम्बुलेंस में यहाँ पहुँच गए और वे लोग घायलों व मृतकों की सुध-बुध लेने लगे। आखिर ड्रैकुला और वे लुटेरे अब कहाँ होंगे? तभी इंस्पेक्टर उनके निकट पहुँचा। सर, अभी अभी वायरलेस सेट पर हमें खबर मिली है कि रोशन आरा रोड पर एक मेटाडोर गाड़ी मिली है जिससे कुछ कुख्यात बदमाश मृत पाए गए हैं और उसके पास से काफ़ी मात्रा में सोने व हीरो के जेवरात बरामद हुए हैं। जब वह जेवरात ज़रूर यहाँ से यहीं से लूटे गए होंगे। लेकिन उन बदमाशों को किसने मारा, क्या कुछ पता चला? नो सर, मुझे लगता है उन्हें मौत के घात उतारने वाला ड्रैकुला ही होगा। अंकल, आप जल्दी से हमें मेहरौली ले चलिए। ठीक है, चलो। वहाँ से वे तीनों मेहरौली के उस फार्म हाउस पर पहुँचे जहाँ प्रोफेसर दिवाकर ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँचकर राम रहीम ने प्रोफेसर दिवाकर को सारी बात बताई। अंत में राम बोला, अंकल हमें दिल्ली को कब्रिस्तान बनने से रोकना होगा और यह तभी हो सकता है जब आप हमारी मदद करें। मेरे बच्चों, मानवता की भलाई के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हारी बातें सुनकर मैंने जो अंदाज़ा लगाया है उसके अनुसार यही हो सकता है कि कोई मुजरिम पुलिस से बचता हुआ भूत महल में पहुंचा और ड्रैकुला वाला किसी तरह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया हो और उसी ने उन दोनों पीछा करने वाले पुलिसकर्मियों का वध कर दिया। फिर तुमसे बदला लेने के लिए वह तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा। मेरा भी यही विचार है, लेकिन समस्या यही है कि उस ड्रैकुला को ख़त्म किस तरह किया जाए। उसे ख़त्म करने के लिए हमें उसे खदेड़ कर एक ऐसे क्षेत्र में ले जाना होगा जहाँ चारों तरफ आग ही आग हो। लेकिन प्रोफेसर साहब, ऐसी जगह हमें कहाँ मिलेगी? ऐसी एक जगह दिल्ली में ही है, शहर से बाहर आउटर दिल्ली के इलाके में। एक ऐसी जगह जहाँ दिल्ली में सप्लाई करने के लिए पेट्रोल, डीजल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थों को बड़े बड़े टैंकों में भरकर इकट्ठा किया जाता है। अगर किसी तरह ड्रैकुला को वहाँ से ले जाया जाए तो हमारा काम बन सकता है। ओह, कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते हैं कि ड्रैकुला को वहाँ पहुँचाकर उस क्षेत्र को बमों से उड़ा दिया जाए? हाँ कमिश्नर साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ। ड्रैकुला को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है और मुझे विश्वास है कि जिस भयंकर तरीके से उस क्षेत्र में आग लगेगी उससे ड्रैकुला हरगिज नहीं बच सकेगा। लेकिन प्रोफेसर, इससे हानि भी तो बहुत होगी। हमारे देश का हजारों बैरल पेट्रोल और डीजल आग की भेंट चढ़ जाएगा। अगर ड्रैकुला को समाप्त करना है तो यह नुकसान तो हमारे देश को उठाना ही पड़ेगा। कमिश्नर साहब, एक तरफ माल के नुकसान का सवाल है तो दूसरी तरफ हजारों बेगुनाह इंसानों की जानों का प्रश्न है। अब आप सोच लीजिए कि और अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत कर लीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप ड्रैकुला को उस क्षेत्र में पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। मैं आज ही रक्षा मंत्रालय से इस बात की इजाज़त लेता हूँ। ओके। फिर राम रहीम को छोड़कर कमिश्नर साहब बाहर निकल गए। कमिश्नर के जाने के बाद, प्रोफेसर अंकल, अब हमारे सामने समस्या यह है कि ड्रैकुला को ढूंढा कहाँ से जाए और उसे उस पेट्रोलियम क्षेत्र तक पहुँचाया कैसे जाए। हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचना ही होगा। तभी गुरुदेव, सुनिए रेडियो पर क्या बोला जा रहा है। राम रहीम, अगर तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। उफ, लगता है ड्रैकुला ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ,
और उसकी चेतावनी सुनकर यह भी लगता है कि वह जो भी कर रहा है कर भी दिखाएगा। तभी राम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ड्रैकुला को उस पेट्रोलियम क्षेत्र पहुंचाने का इंतजाम हो गया है अंकल। मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना राम? यदि मैं और रहीम अपने आप को ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ओह नहीं, क्या? घबराइए नहीं अंकल, सुनिए मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसके अनुसार काम करने से हम ड्रैकुला का अवश्य ही मात दे देंगे। राम का पूरा प्लान सुनकर, ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने की बात कर रहे हो। इसमें रहीम और तुम्हारी जान जाने के पूरे पूरे चांस है। मुझे मालूम है अंकल, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। फिर राम अपना सारा प्लान प्रोफेसर दिवाकर को बताने लगा। राम भैया ठीक ही कह रहे हैं प्रोफेसर अंकल, फिर अगर लाखों मनुष्यों की जान बचाने के लिए हमारी जान चली भी जाए तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व ही होगा। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं अंकल, आप फौरन सब इंतजाम कर लीजिए। ठीक है, तुम नहीं मानते तो मुझे भी अपने सीने पर पत्थर रखना ही होगा। और राम रहीम के वहाँ से जाते ही, यस मैं प्रोफेसर दिवाकर बोल रहा हूँ, तुरंत ही आउटर दिल्ली के पेट्रोलियम क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर शक्तिशाली रिमोट बमों का जाल बिछवा दो कमिश्नर। यस, और एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो फौरन। उधर रेडियो स्टेशन में ड्रैकुला अपना गुस्सा निर्दोष लोगों पर उतार रहा था। मुझे राम रहीम चाहिए, चर आ, अगर मुझे राम रहीम नहीं मिले तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, कुरकुर ई, बचाओ, भागो भागो। तभी हम आ गए हैं ड्रैकुला। तुम? हाँ ड्रैकुला, तुम्हारे कहे मुताबिक हम आ गए हैं। अब तुम यह नरसंहार बंद कर दो। हा 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 हा, मुझे पता था कि तुम आओगे, इतने सारे लोगों की जान बचाने तुम जरूर आओगे। हा 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 हा। ड्रैकुला वासियाना अंदाज में राम रहीम की ओर आगे बढ़ा और राम रहीम ड्रैकुला की बातों में लगाए पीछे की ओर हटने लगे। अपनी बरसों से प्यासी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए मुझे तुम्हारी खून चाहिए, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। ओह तो इसका मतलब तुम वही ड्रैकुला हो जिसे हमने डॉक्टर शैतान के साथ ख़त्म कर दिया था। हाँ हाँ मैं वही हूँ। बरसों से मेरी आत्मा भूत महल के तहखाने में किसी मनुष्य के इंतजार में भटक रही थी। उस दिन मैं भी भटक ही रहा था, लेकिन एक मनुष्य ऊपर से तहखाने में आकर गिरा। उफ, मुझे जैसे मुँह मांगी की मुराद मिल गई थी। उफ, आहा मनुष्य, मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी मनुष्य के शरीर की ही आवश्यकता थी। अब मुझे बाहर निकलने का मौका मिल गया है। और अगले पल मैंने जग्गा के शरीर में प्रविष्ट होकर उस पर काबू पा लिया। अब मुझे मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे खून चाहिए। खून खून खून, मुझे खून चाहिए खून। फिर सबसे पहले मैंने उन दोनों पुलिसकर्मियों का खून पिया और जो उन मनुष्य का पीछा कर रहे थे। तत्पश्चात तुम लोगों को ढूंढने निकल पड़ा और संयोग से तुम दोनों मुझे वहीं पास ही छात्रों के बसों के पास मिल गए। जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं पी लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बातचीत में मशगूल ड्रैकुला यह जान ही नहीं पाया कि वह राम रहीम की ओर बढ़ता हुआ रेडियो स्टेशन से कब बाहर निकल आया था। और बाहर आते ही, रहीम मोटरसाइकिल की ओर दौड़ो। अच्छा, मेरे साथ यह चालाकी, गुरकुर गुरकुर, अब मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा। हा 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 हा, इस जीप से तुम्हें कुचल डालूंगा। और फिर पीछा शुरू हो गया, तुम्हारा खून पिए बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। प्लान के मुताबिक ड्रैकुला अपने पीछे आ रहा है, चलते चलो। तभी जल्दी, हाईली इन्फ्लेमेबल, नो स्मोकिंग, प्रोहिबिटेड एरिया। यहाँ तक की योजना ठीक ही रही, ड्रैकुला भी पीछे आ रहा है। अब देखना है कि प्रोफेसर अंकल ने क्या तैयारी की है। हम पेट्रोल टैंकरों के पास पहुँच चुके हैं, किसी टैंकर के ठीक पीछे गाड़ी को रोकना। रहीम,
टैंकरों के ऊपर चढ़ो जल्दी क्विक, मैं आज तुम्हें पताल में भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला भी हमारे पीछे पीछे टैंकर के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। जल्दी ही, अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आखिर प्रोफेसर दिवाकर अभी तक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों नहीं पहुँचे हैं? हा 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 हा, आज बरसों के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हा 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 हा। आखिर प्रोफेसर दिवाकर अभी तक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों नहीं पहुँचे? जल्दी, अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आज मैं तुम्हें रहीम टैंकरों के ऊपर छोड़ो जल्दी, आज मैं तुम्हें पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला भी हमारे पीछे पीछे टैंकर के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचा है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। जल्दी ही, अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आखिर प्रोफेसर दिवाकर अभी तक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों नहीं पहुँचे? हा 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 हा, आज बरसों के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हा 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 हा, रहीम उफ, अब क्या करें? तभी घर आ गया हेलीकॉप्टर। अगले ही क्षण हेलीकॉप्टर से रस्सियों की दो सीढ़ियाँ ठीक राम रहीम के सामने आकर के गिरी। घर घर घर, और उन सीढ़ियों को पकड़ते ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता चला गया। यही वह क्षण था जब हेलीकॉप्टर में बैठे प्रोफेसर दिवाकर की उंगली ने रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबाव बढ़ाया, और अगले ही पल धड़ाम, और फिर पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोल टंकों के फटने की आवाज़ें गूंजने लगी। भड़ाम भड़ाम, धड़ाक धड़ा पम, धड़ाम भड़ाम भड़ाम बम। हजारों बैरल पेट्रोल और डीजल धू धू करके जल रहा था, असाथ ही जल रहा था वह ड्रैकुला जो पूरी दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ था। कुछ ही पलों में ड्रैकुला उस भयंकर आग में जलकर राख हो गया, जबकि इन सबसे दूर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में, यू आर ग्रेट राम रहीम भाई, मैं तुम दोनों को कभी नहीं भुला पाऊँगा। उफ, कमाल के लड़के हो तुम, तुम्हारा हौसला और देशभक्ति को देखकर आज मेरा भी दिल तुम्हारे सामने नतमस्तक होने को करता है। तो गाइस, ये रही ड्रैकुला दिल्ली तक की स्टोरी। इसके बाद का कॉमिक्स है फिर आया ड्रैकुला, जो मैं बहुत जल्द ही आपको अपलोड करूँगा। अगर जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ज़िंदगी को एक आनंद और खुशबू के साथ जीते रहिए। थैंक यू वेरी मच।